नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं छपरा जहरीली शराब कांड की। अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, आधिकारिक पुष्टि भी जो है वो हो चुकी है। और फिलहाल जो ताजा तस्वीर है वो ये कह रही है कि जो बीजेपी प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंचा, और इससे पहले ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कह रहे थे कि सत्र के खत्म हो जाने के बाद से हम वहां पर जाएंगे और वहां पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। वहां से तस्वीरें भी सामने निकल कर आएगी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर सम्राट चौधरी मौजूद है, विजय सिन्हा गए हुए हैं और बीजेपी के कई जो बड़े नेता है उनकी मौजूदगी वहां पर पीड़ित परिवारों के यहां पर है। अब तक 26 शवों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक जो कार्रवाई है वो भी की गई है। सोनपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी गठन किया गया है। मशरक समेत 4 प्रखंडों में यह मौतें हुए हैं। 26 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। साथ ही मढ़ौरा एसडीपीओ और उसके साथ साथ उन्होंने विभागीय कार्रवाई की है। मशरक थाना प्रभारी और चौकीदार को निलंबित किया गया है। तो इस पूरे मामले में एक्शन भी किया गया है, एसआईटी का गठन भी किया गया है जो इस पूरे मामले की छानबीन और जांच करेगी। और वहां से तस्वीरें भी सामने आएंगी छपरा से, वो हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी के जो नेता है वो वहां पर पहुंचे हुए, तस्वीरें थोड़ी देर में आपको जोड़ेंगे। बहरहाल मशरक थाना प्रभारी और चौकीदार को इस पूरे मसले में निलंबित किया गया है और इंतजार पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी किया जा रहा है। और लगातार जो जानकारी सामने आ रही है कि अब भी कई लोगों का जो इलाज है वो चल रहा है और चोरी छिपे कई लोग इलाज करवा रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है वहां से जिला प्रशासन की भी, वो भी आपको हम सुनाएंगे। तो अभी प्रथम दृष्टिया जो है इसवापुर और मशरक थाना दोनों क्षेत्र में जो शराब बेचे जाने की जो सूचना हुई कि कहां से इसका ओरिजिन हुआ या किस प्रकार का हुआ, इसमें इस बार मशरक थाना क्षेत्र ज्यादा प्रभावित है और वहीं इसके सोर्स होने की संभावना सामने आई है। और जिस क्षेत्र में ये बात आई है वहां के चौकीदार और थाना अध्यक्ष मशरक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दो दिन लगभग जो मरीज यहाँ पर आए हैं उनका पोस्टमार्टम हुआ है, उनका इलाज भी चला है और जो मृत्यु की सूचना उसे मिली है कल रात को लगभग 21 की संख्या थी वो, लेकिन आज अभी मॉर्निंग तक अपडेटेड सूची के अनुसार 26 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना मिली है। इन छब्बीस लोगों का पोस्टमार्टम या तो किया जा चुका है या फिर प्रक्रियाधीन है। तो जिला प्रशासन का बयान भी हमने आपको सुनाया कि इस पूरे मामले में एसआईटी का जो गठन है वो किया गया है। साथ ही जो थानेदार है, चौकीदार है, उनको निलंबित कर दिया गया है। यानी कि जिला प्रशासन ने इन तमाम अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई जो है वो की है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर के जो सियासत है वो काफी अब तेज हो चली है। लगातार जो सदन में हंगामा है वो बरपा है और इसके साथ साथ बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंचा। अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं छपरा से। अवनीश, बीजेपी के बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं सदन से लेकर के, आप कह सकते हैं कि वहां घटना स्थल तक पहुंच गए हैं और जो लगातार विरोध है वो किया जा रहा है सरकार का, क्या कुछ फिलहाल तस्वीर वहां से सामने आ रही है? बड़ी घटना है ये, देखिए बिहार का सबसे बड़ी घटना है। इतनी बड़ी घटना है कि इस घटना से जितना निंदा की जाए वह कम है। इतने परिवार की मृत्यु हुई है और सबसे बेसी है कि एकदम गरीब महादलित परिवार सबका मृत्यु हुआ है, जो जिसका पोस्टमार्टम प्रशासन के द्वारा नहीं कराने दिया गया है और जबरदस्ती इसका जो है दाह संस्कार करवा दिया गया है। यह घोर निंदनीय है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार को इस पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपने पोस्टमार्टम नहीं कराया कि मुआवजा देना पड़े। और इतना गरीब परिवार है कि उस परिवार का मुखिया का देहांत हो गया है, उस परिवार के जो इतने गरीब आदमी थे उस परिवार का मुखिया का देहांत हो गया है। बिल्कुल, देखिए तरकिशोर जी भी है जो सभी लोग पहुंचे हैं। देखिए एक ही विधायक नहीं बल्कि सभी विधायक जो पूर्व उप मुख्यमंत्री तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। और सर काफ़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई है इस जहरीली शराब। मोटे तौर पर 50 से ज़्यादा
गरीब परिवारों गरीब लोग की मृत्यु जहरीली शराब पीने से पीने के कारण हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार की ओर से चिकित्सा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। सदन चल रहा है, सदन में सरकार को आधिकारिक रूप से बयान देना चाहिए, उनके परिवार को मुआवजा देना चाहिए। सब बेसहारा हो गया है, समाज का सबसे गरीब तबका है, और यहाँ आकर लगा कि कितना लौह मरसक की घटना है। फिर हम लोग निरीक्षण करके लौटते हैं तो फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री तरकिशोर जी के साथ साथ तमाम लोग, देखिए आपको काफिला हम दिखा रहे हैं, ये तमाम लोग हैं जो विधायक हैं, जो माननीय सदस्य हैं बीजेपी के, वो तमाम लोग पहुंचे हैं और काफ़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है इस जहरीली शराब पीने से। तो देखिए बड़ी दुखद घटना है। लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि अगल बगल में ही जो है जहरीली शराब बनाने का काम जो है वो लोग करते हैं, लोग शराब बेचते हैं, लेकिन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। कुछ लोग जो है पकड़े जरूर गए थे, लेकिन फिर वो छूट के आ गए, फिर वो शराब का गोरख धंधा जो है वो करने लगे। तो देखिए ये भयावह तस्वीर है इस छपरा में, छपरा के मसरख में इस तरह की घटना घटी है, और जो लगातार जो मौत का सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ा जो है दुखद जो है वो घटना जो है, देखिए जो तस्वीरें हैं, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हो या विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी हो, ये तमाम लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं और लगातार देखिए तमाम लोग जा भी रहे हैं। जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है उसको आश्वासन भी दे रहे हैं, जांच करवाने की मांग कर रहे हैं, मुआवजा देने के भी जो है वो मांग कर रहे हैं कि तमाम जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा दिया जाए। तो एक कोशिश है तमाम बीजेपी नेताओं की, इस बहाने जो है देखिए नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी पहुंचे हुए हैं, प्रेम विजय सिन्हा जी हैं, वो तमाम लोग हैं। विजय सिन्हा से फिर बात करेंगे कि आखिर किस तरह की घटना है, ये खुद आ रहे हैं सर, काफ़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, आप लोग लगातार। देखिए बहुत शासन प्रशासन के लोग इस मामला को दबा रहे हैं, संख्या 100 के पार है, और उनके राजद के लोग के माध्यम से ये सारा खेल हो रहा है। अभी बता रहे थे कि जो मुखिया है वो राजद का कार्यकर्ता है और लोग घर तक सप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये पूरी तरह नरसंहार है और 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और सरकार चिंतित नहीं है। दुर्भाग्य यही है कि नीतीश कुमार जी आज भी थोथी दलील दे रहे हैं, शर्म नहीं लग रहा। अरे बिहार के मुख्यमंत्री है, संवेदना तो व्यक्त करिए। बिहार के लोग मरे हैं, कोई फॉरेन के लोग नहीं मरे हैं, बिहार के लोग मरे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। देखिए तमाम लोग जो हैं, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी, वो तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं इस घटना को लेकर। देखिए जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सभी माननीय विधायक यहां पहुंचे हैं और एक कोशिश है कि लोगों से पूछताछ की जाए, लोगों से आखिर ये जानकारी ली जाए कि आखिर इस गोरख धंधे में कौन कौन लोग शामिल हैं जो जहरीली शराब बनाते हैं। तो देखिए जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे थे कि कुछ लोग हैं जो शराब के गोरख धंधे में शामिल हैं, पुलिस पकड़ती जरूर है, लेकिन फिर एक बार वो शराब के गोरख धंधा का काम जो है वो लोग करते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सियासी तस्वीर है वो भी वहां से निकल करके सामने आई, लेकिन अब तक की प्रशासनिक कार्रवाई की अगर बात करें, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनका चोरी छिपे जो इलाज है वो कराया जा रहा है और इसको लेकर के जानकारी सामने नहीं लाई जा रही है। देखिए युवा विधायक है जो पहुंचे हैं, विधायक जी क्या अभी तक, क्योंकि काफी संख्या में वैसे समाज के लोग हैं जो काफी दलित समाज और पिछड़े समाज के लोग इसमें जो है, इस जिनकी मृत्यु हुई है, ये समझिए आप लोग गए भी होंगे वहाँ पे, देखे होंगे क्या स्थिति है। ये सरकार जो है नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल है इसमें, और किस तरीके से जो है इन लोगों का जान जा रहा है, 40-45 लोग मारे गए इसमें। सरकार इसका मुआवजा दे, नहीं तो नीतीश कुमार जी इसका इस पर संज्ञान लेते हुए इस्तीफा दे। इस तरह से ये शराबबंदी, ये आम जनता के बीच में भी ये चीज़ है कि ये पूरी तरह से फेल है। हर जगह पे गली मोहल्ले में शराब का बोतल मिलता है, लेकिन सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। ये पूरा जनता बिहार का देख रहा है, और इस जितने भी लोग मरे हैं उनको सरकार मुआवजा दे, सरकार से हम ये मांग करते हैं। बिल्कुल, युवा विधायक है अनिल राम जी, वो बता रहे हैं सबसे खास बात ये है कि काफी संख्या में, वाकई में काफी संख्या में लोग मरे हैं, लेकिन आंकड़ा जो है वो नहीं मिल पा रहा है। कई लोग स्थानीय लोगों ने बताया है कि कई लोगों का पहले ही जो है पुलिस के आने से पहले ही उसका दाह संस्कार कर दिया है, कई लोगों जो है वो बीमार है जिनको पानी चढ़ाया जा रहा है। तो देखिए परेशानी काफी, ये काफी
भयावह घटना जरूर है, इसमें काफी लोगों की मौत हुई है और लगातार प्रशासन जो है अलर्ट जरूर है, लेकिन अभी भी जिस तरह से लोग बता रहे हैं यहाँ के, ये बिंद टोली है, यहाँ पर बिंद समाज के लोग ज्यादा है, जो दलित समाज के लोग है वो ज्यादा है, और वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर स्थानीय लोगों के मिली भगत से जो है यहाँ पर शराब जो है वो बेची जाती है, पुलिस मना जरूर करती है लेकिन फिर वो कुरक धंधे में शामिल रहते हैं, फिर वो काम करते हैं, पुलिस पकड़ के भी ले गई थी, और वैसे लोग जो है, और जो माननीय नेता प्रतिपक्ष उन्होंने आपको बताया, उन्होंने बताया भी है कि कई लोग हैं जो कई पॉलिटिकल पार्टियों से उनका संपर्क है, और वैसे लोग धड़ल्ले से जो है इस शराब के गोरख धंधे में शामिल है और शराब की जो है वो बिक्री कर रहे हैं। तो देखिए ये शराब से जिस तरह से मौत हुई है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद जिस तरह से लोग शराब का सेवन कर रहे हैं उनकी मौतें हो रही है, ये काफी दुखद है। तमाम भले ही इस पर राजनीति जरूर हो रही है लेकिन अभी भी सभी लोगों को सचेत रहना होगा और लगातार प्रशासन अलर्ट जरूर करती है कि सभी लोग सचेत रहे, शराब का सेवन न कर, मुख्यमंत्री जी खुद लगातार करते हैं। बिल्कुल, जो समाज सुधार अभियान है वो भी वहां उस जगह से नजर आ रही, बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अवनीश आपका।